100% पे विश्वास नहीं कर सकता। राज कुंद्रा जी एक अच्छे बिजनेसमैन और एक समाज सेविका हैं और वो बहुत अच्छे इंसान है, इज अ लेजेंड। जिसने आई रिमेम्बर शिल्पा जी, शिल्पा जी आई लव यू। आखिर जा आज आपने देखी ना वो न्यूज आ रही राज कुंद्रा? क्या न्यूज क्या है? कहने वो कुछ पिक्चर के बारे में, कुछ असली पिक्चर बनाते थे उनके ऊपर। मैं 1% पे विश्वास नहीं कर सकती। शिल्पा जी शी इज अ लेजेंड ऑफ बॉलीवुड एंड शी इज माई फेवरेट। कोई शिल्पा शेट्टी जी का नाम खराब करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन तुम लोग कुछ लोग हैं जो कितना भी शिल्पा शेट्टी जी का नाम खराब करे वो नहीं हो सकता। राज कुंद्रा जी एक अच्छे बिजनेसमैन और एक समाज सेविका हैं और वो बहुत अच्छे इंसान है, इज अ लेजेंड। हाँ मैं ठीक हूँ। जल्दी आ गए जी? नहीं, मेरा वीडियो शूट का समय ना, रिहर्सल वगैरह हर जगह जाना पड़ता है। राम चला गया क्या? मेरा कॉफ़ी मुबारक हो, राम की बीवी मिल गई। क्या बात है, राम की बीवी मिल गई। हाँ तो देखा आपने राज कुंद्रा वाला न्यूज़? वो तो हस्बैंड वाइफ में गुस्सा तो होता रहता है ना थोड़ा बहुत। क्या कह रहे थे आप? राज कुंद्रा वाला न्यूज। हाँ क्या क्या हुआ था, उन्होंने क्या किया? वो कुछ पिक्चर या पैसे को लेके क्राइम ब्रांच। मैं कुछ भी नहीं है, ये कुछ लोग पैसा वसूलने की कोशिश कर रहे हैं राज कुंद्रा जी से, या फिर हमारी लेजेंड, बॉलीवुड की लेजेंड, जिसको मैं मेरे दिल से प्यार करती हूँ। जिसने आई रिमेम्बर शिल्पा जी, शिल्पा जी आई लव यू। इतनी हार्ड वर्क किया है शिल्पा जी ने। दोस्तों क्या आपको नहीं लगता है शिल्पा जी ने इतना हार्ड वर्क किया है बॉलीवुड में और उनका कोई नाम खराब करने की कोशिश कर रहा है, उनको एक अच्छी ज़िंदगी नहीं जीने दे रहा है, और ऐसे उनका उनकी फैमिली में कोई दखल अंदाजी करके उनको बदनाम करने की कोशिश कर रहा है? मैं मान ही नहीं सकती कि राज कुंद्रा जी ने ऐसा कुछ भी किया होगा। राज कुंद्रा जी एक इज्जतदार इंसान है, हमारी शिल्पा शेट्टी जी के हस्बैंड हैं, हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और वो मतलब एक बिजनेसमैन है ना, तो कोई उनके साथ उनको ब्लैकमेल कर रहा है और हमारी शिल्पा शेट्टी जी का नाम खराब करने की कोशिश कर रहा है। शिल्पा शेट्टी जी ने कितना मेहनत किया यार इंडस्ट्री में, अरे उनको शांति से जीने तो, उनका एक बेटा है, अरे शर्म करो। बेटी भी है। हाँ एक बेटा एक बेटी है, शर्म करो यार, अरे शर्म करो किसी को। भाई साहब आप जाइए वहाँ, शर्म करो। आप लोग एक अच्छे अच्छे खेलते परिवार, एक अच्छे परिवार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हो कुछ पैसों के लिए। मुझे रोना आ जाता है ऐसी सब चीज़ों में, कि कोई अच्छी ज़िंदगी जीने की कोशिश कर रहा है और उन्हें जीने नहीं दिया जा रहा है। कितनी मेहनत करती है शिल्पा शेट्टी, आप नहीं देखते हो? कभी कोई रियलिटी शो, कभी कोई रियलिटी शो, हर इंसान मेहनत करता है यार। आप शिल्पा शेट्टी के हस्बैंड ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहे हो, शिल्पा शेट्टी के हस्बैंड। हर इंसान का अपना एक व्यक्तित्व होता है, तो उनके हस्बैंड को आप बदनाम, राज कुंद्रा जी को बदनाम करने की कोशिश मत करो। अच्छे इंसान है शिल्पा शेट्टी जी, खुद एक अच्छे इंसान है, योगा गुरु है वो। और आज मुझे याद है उन्होंने राकेश रोशन जी का सॉन्ग मुझे दिया था, टुक टुक देखे, वो सॉन्ग उनका था, पूछ लेना कभी। मैं वो कहते कि राखी अब मैं ये गाना नहीं करना चाहती हूँ, मैंने कहा शिल्पा जी मुझे दे दो। ठीक है राखी जी, उन्होंने इमिडिएटली गणेश आचार्य जी मेरे गुरु और शिल्पा शेट्टी जी ने राकेश रोशन जी को फ़ोन लगाया कि राखी को ये गाना दे दो। शिल्पा शेट्टी इतनी अच्छी लेजेंड है, और वो टुक टुक देखे, पल पल देखे इरफान खान जी के साथ वो गाना उन्होंने मुझे दे दिया। यार अच्छे ऐसे इंसानों के लिए मैं तो अपनी जान भी दे सकती हूँ। मत करो यार, जियो और जीने दो, जियो और जीने दो लोगों को। हर इंसान ये कोरोना से बाहर आया नहीं है, और आप लोग ऐसा करते हो, शेम ऑन यू गाइस। ऐसे क्या कहते हैं, एक इज्जतदार फैमिली को आप लोग ऐसे कलंक लगाते हो। आई एम वेरी सैड। थैंक यू।